नमस्कार, मैं सोनी। आप देख रहे हैं बोकारो की आवाज न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। बोकारो जिले में लगातार चाकूबाजी कर आतंक मचाने वाला पुलिस के हत्थे चढ़ गया। चाकूबाज हत्यारे की गिरफ्तारी के बाद डीएसपी बेरमो सतीश चंद्र झा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि पुलिस इसे सरफिरा मान रही थी, मगर आरोपी पूरी तरह से सोच समझकर प्लानिंग के तहत घटना को अंजाम दे रहा था, जिससे आम लोग भी दहशत में आ गए थे और पुलिस इसकी पहचान के लिए इनाम की राशि की भी घोषणा की थी, जिसके बाद बीते शाम को सूचना मिलने के उपरांत इसे पहचान कर गिरफ्तार कर लिया गया और इसके पास से घटना में इस्तेमाल हथियार, चाकू, फरसा, इसका मोबाइल, कपड़ा भी बरामद किया गया। घटना की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि 4-5 जुलाई की रात इसने चंद्रपुरा स्थित आवास में अपनी पत्नी की हत्या कर घर में ताला लगाकर फरार हो गया था। 5 की सुबह वह गोमिया थाना अंतर्गत स्वांग में गुड़िया देवी नामक महिला को चाकू से मारकर बुरी तरह से घायल कर दिया था। वहीं उसके दूसरे दिन पुनः वह चंद्रपुरा आया और अपने पड़ोस में रहने वाली शोभा पांडे के ऊपर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ वार कर घायल कर दिया था, जिसका इलाज बोकारो जनरल अस्पताल में चल रहा है। पुलिस इस चाकूबाजी के आरोपी अजय रविदास को पकड़ने के लिए चंद्रपुरा स्थित आवास गई, जहां दरवाजा खोलकर अंदर जाने पर आरोपी की पत्नी का शव मिला, जिसे आरोपी ने धारदार हथियार से हत्या को अंजाम दिया था। इन तीनों कांड के आरोपी चाकूबाज अजय रविदास पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ था, जिसकी सीसीटीवी वीडियो फुटेज से इसकी पहचान कर ली गई, जिसमें वह चंद्रपुरा में घटना को अंजाम देने के बाद भागता हुआ नजर आया। पुलिस ने सूचना देने वालों को भी इनाम की राशि देकर सम्मानित किया। वहीं पुलिस ने बताया कि इन तीनों घटना के पीछे सबसे बड़ा कारण शक होना जो अपनी पत्नी पर किया करता था, वहीं दूसरा कारण पैसे की लेनदेन को बताया, जिसमें वह पैसे की तंगी के कारण पूरी तरह से परेशान था। वहीं अब इसकी गिरफ्तारी के बाद बोकारो में लोगों के दिलों में बैठा डर अब कम हो गया है। जिस तरह से चाकूबाज लगातार घटनाओं को एक के बाद एक अंजाम दे रहा था, जिससे लोगों के दिलों में सहम और डर पैदा कर दिया था। महिला जो इसकी पत्नी थी वो अकेले रहती थी अपने, और उस दिन प्लान के तहत ये लाया था बच्चे को, अपने जो तीन बच्चे थे उसको जो है जो अपने पुस्तैनी गांव जो है उसी है वहाँ पहुँचा दिया था और उस लेकर के आया था। यहाँ पर मैंने पर्पसली लाया था ताकि यहाँ पर ले आकर निश्चिंत होकर रात के समय हत्या करे। तो क्या गला दबा के क्या पत्नी? नहीं, वहाँ तो फांसुल रखा हुआ था, फसूल जो बोलते हैं उसको, हसुआ सब्जी काटने का जो होता है, उसी से रात के अंधेरे में वहीं पर बैठ करके कई बार उस पर वार किया है। बाकी लोगों को चाकू से, एक जो स्वांग में हुआ है वो तो घर में सब्जी काटने वाला चाकू उसी घर से लेकर के उसको स्टैब किया, और एक कटार लेकर के शोभा पांडे के साथ जो हुआ वो कटार लेकर के किया है, जो उसके घर में ही था वो कटार जो है। और तीनों का अलग अलग हथियार, तीनों में अलग अलग हथियार इस्तेमाल हुआ। और निशाना बनाने के नहीं, ये कुछ ऐसी चीज़ है, ऐसी कुछ बात सामने नहीं आई है, लेकिन ये बात है कि ये सिरफिरा था, सिरफिरा के तरह कर रहा था। हम लोग ऐसा लग रहा था कि ये जो है कुछ और करेगा, लेकिन जब हम लोग इसको गिरफ्तार किए और इससे पूछताछ किए तो सिरफिरा नहीं है, बिल्कुल कोल्ड ब्लडेड मर्डर करने का ही इसने प्रयास किया, और कोल्ड ब्लडेड मर्डर इसने अपनी पत्नी का किया। भागने के फिराक में था, यहाँ से भागने के फिराक में भी था। हाँ बिल्कुल, फरार होने के फिराक में था, छुप रहा था। ये सुबह का समय था, वो देख रहा था कि लोग चेज कर रहे हैं, पता कर रहे हैं, और फिर जल्दी से चारों तरफ हम लोग जो है सोशल मीडिया और जो अपने पुलिस अपने माध्यम से भी जो है सूचना फैलाए, तो सब लोग वहाँ पर लगे हुए थे और शाम तक इसकी गिरफ्तारी हो गई कल रात में। मोबाइल का भी इस्तेमाल करता था क्या? मोबाइल का भी इस्तेमाल करता था। पत्नी की हत्या कब की? पत्नी की हत्या 2 दिन पहले किया है, तो फर्स्ट डे पहले पत्नी की हत्या करने के बाद ये गया है होसीर, ये स्वांग गया है जहाँ चाकूबाजी किया है उसके साथ। ये 5 तारीख के आसपास घटना है, 4-5 की रात में पत्नी की हत्या किया है और 5 की सुबह में जो है वहाँ पर उसको स्टैबिंग किया है।
हाँ, ये यहाँ नहीं था, था बोल रहा था कि जो है कथारा साइड में चले गए हुए थे, जहाँ उसका बाकी सामान भी हम लोगों को मिला है, उसके जूता वूता खोले हुए था घर के पिछवाड़े में अपना जो है, और वहीं से वो निकल करके जो है शोभा पांडे पर लगता है नज़र रखे हुए था। शोभा पांडे जब सुबह सुबह घर से बाहर निकली है, उसके बाद जाके उस पर पकड़ करके घर के अंदर ले जाने का प्रयास किया, बल्कि अंदर ले गया, ले जाने के बाद वहाँ मारने का प्रयास किया, लेकिन शोभा पांडे ने बड़ा हिम्मत से काम लिया और किसी तरीके से अपने आप को छुड़ा करके बाहर लाई। बाहर लाने पर ये जो है, बाहर लाने पर भी 3 बार उस पर वार किया, उसके बाद फिर वो भाग गई, वो निकल के भागा। हाँ जी, शोभा पांडे पर, शोभा पांडे पर एग्जैक्ट बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन 6-7 जख्म है उस पर।